सुबह का वक्त, पक्षियों के चहचहाने की आवाजें और तभी एक जोरदार धमाका और कुछ ही पलों में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इंसान तो इंसान, परिंदे भी मानो धमाके की गूंज और धुएं को देखकर घबरा गए। आसमान में जहां तहां मंडराने लगे। ये दिल्ली में हुए धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। अब जरा इस धमाके से जुड़ा एक और वीडियो देखिए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। दुकानों के शीशे विस्फोट के कंपन से टूटकर बिखर गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां करवा चौथ के दिन सुबह सुबह स्कूल के पास धमाके से दहशत फैल गई। राजधानी दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास सुबह 7 बजे के बाद एक विस्फोट हुआ, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आ गया है। दरअसल जिस जगह विस्फोट हुआ, वहां एक शख्स फोटोग्राफी के शौक में सुबह का नजारा अपने कैमरे में कैद कर रहा था, तभी ये हादसा भी रिकॉर्ड हो गया। राहत की बात ये रही कि इस विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आसपास के घरों, दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। पुलिस कर्मियों के साथ एक्सपर्ट की टीम को विस्फोट की वजह तलाशने के लिए बुलाया गया। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि कुछ वहां दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रमाइसिस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पर तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ। इस धमाके की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीम फौरन एक्शन में आ गई। कुछ मिनटों में एनएसजी का दस्ता मौके पर पहुंच चुका था। स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी के कमांडो जांच में जुट गए। सभी एजेंसियों से जुड़ी टीम ने घटना स्थल पर बारीकी से जायजा लिया। दीवार के आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर हर एक चीज को बारीकी से देखा। कोडन ऑफ करके पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है। तमाम दुकानों के सीसीटीवी सर्च किए जा रहे हैं ताकि बम प्लांट करने वाले को पहचाना जा सके। इस बीच धमाके वाली जगह से जांच के दौरान पुलिस को एक सफेद रंग का पाउडर बरामद हुआ, जिसे देखकर एनएसजी के कमांडो हक्के बक्के रह गए। जांच एजेंसियों को मौके से जो सफेद पाउडर मिला है, उसमें शक है इस देसी बम, जिसे क्रूड कहा जाता है, उसमें अमोनियम फॉस्फेट और कुछ केमिकल्स मिलाकर बम बनाया गया होगा। हालांकि एफएसएल, सीआरपीएफ और एनएसजी ने ब्लास्ट के बाद मौके से जो कर जुटाए हैं, जांच के बाद एग्जैक्ट केमिकल का पता लग पाएगा। कुछ वायर मिले हैं पर वो पहले से स्पॉट पर थे या नहीं, ये जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय को जांच एजेंसी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद बम प्लांट करने का मकसद पता लग पाएगा। फिलहाल एनएसजी ने पूरा स्पॉट अपने कंट्रोल में ले लिया है। स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि धमाका करने वाले का कोई सुराग मिल सके। साथ ही पाउडर को भी जांच के लिए लैब भेजा गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आधिकारिक तौर पर जल्द मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाएगा। अब तक पुलिस ने शुरुआती जांच में देसी बम से धमाके की आशंका जताई है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आए दिन दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही थी, कहीं ये उसी की साजिश तो नहीं, जिसे अब अंजाम दिया गया हो, क्योंकि ये धमाका स्कूल के पास ही हुआ है। बहरहाल ये जांच का विषय है कि सीआरपीएफ के स्कूल के पास ब्लास्ट किसने किया, कौन था वो शख्स जिसने स्कूल को दहलाने की साजिश रची। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।